पाकिस्तान मैच क्यों हारा इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन हमें काम भी जाना है, लेकिन अगर मौसम ने इजाजत दे दी तो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सिर्फ और सिर्फ भाईजान बाहर का मौसम देखो और सुभान अल्लाह बोल दो। लिटरली एक तो इतने दरवाजे, ओए होए होए, काले बादल, ठंडी हवा और हल्की हल्की बारिश। और मूसा अपने घर में पता नहीं क्या लगा हुआ है, मूसा बिजी है बहुत अपने घर में। बारिश होनी शुरू स्टार्ट हो चुकी है, मौसम बहुत ही लेवल है। मौसम भी बता रहा है कि जो जो बंदा सैड है कल के मैच से, ब्रो क्या हो गया है यार। लिटरली मैं एनालिसिस वगैरह सुनता रहता हूँ, एनालिसिस सुन रहा था, लोग बहुत सैड है। और लिटरली मैं वो बंदा हूँ जो लिटरली बहुत बहुत सैड हो जाता था कि यार नहीं मैच हार गए। लेकिन कल वाहिद ऐसा मैच हुआ है जिसमें मैंने कहा यार इस तरह की एफर्ट तो मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखी ना। आज तक मैंने नसीम शाह जिस तरह इंजर्ड था और उसने वो जो चल के बॉलिंग की है ना, लिटरली मैंने इस तरह की एफर्ट मैंने नहीं देखी। वहां पे मैं एंड हो गया था और मैंने कहा था यार ये जीत लें या हार लें, लिटरली इन्होंने दिल जीत लिया, इन्होंने दिल जीत लिया। और इस वक्त मौसम ने हमारे दिल जीत लिया, जो कमाल मौसम हुआ पड़ा। तेज बारिश आई पड़ी है, बारिश स्टार्ट हो गई है, तेज आवाज तो आ रही होगी यहाँ से, पता चल रहा वो तेज आवाज़ आई। मैं होश होता हूँ एक दिन, आ रही है आवाज़ क्योंकि वैसे तो पता नहीं चल रहा। अच्छा यार बात यह है, बारिश मौसम तो बड़ा कमाल हो गया, बारिश भी बड़ी सी अच्छी है, बहुत अच्छा मौसम है, अंदर जाके बताता हूँ आप लोगों को। अच्छा तो सीन ये था कि बारिश तो बारिश स्टार्ट हो गया, लेकिन मेरा प्लान था कि मैंने आज यूनिवर्सिटी चक्कर लगाना था, वो काम था मुझे यूनिवर्सिटी चक्कर जरूर लगाना था। और मैंने जैसे मौसम देखा मैंने कहा यार ये कैंसिल तो करना नहीं है, दुआ करो बारिश जल्दी से रुक जाए, उसके बाद हम एक छोटा सा चक्कर लगाए यूनिवर्सिटी से भी, अपना जो काम है वो कर रहे हैं ताकि वो भी एक जो टेंशन हो रही है ना हल्की फुल्की वो भी खत्म हो जाएगी। और हमारे पास है नहीं बाकी, हम आहिस्ता आहिस्ता आज दिन में आप लोगों को बताता जाऊँगा कि क्या ख्यालात थे। कल जो हुआ ना इतना बुरा नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल अभी बारिश रुकने का मैं इंतजार करता हूँ क्योंकि बारिश बाहर खड़े खड़े एकदम से तेज होनी स्टार्ट हो चुकी है और मैं अंदर आ चुका हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर वेदर भी इंजॉय कर लेते हैं, थोड़ी देर अंदर भी बैठ जाते हैं, यूनिवर्सिटी भी चले जाएंगे, दुआ बस बारिश रुक जाए तो यूनिवर्सिटी, नहीं तो यार अगर ना भी रुकी ना तो कल इंशाल्लाह निकल जाएंगे। की तेज बारिश हो रही है, मैंने तो पहले तो मैं दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश करे। और बाद में मुझे याद है कि मैंने तो यार बात ही नहीं की जो पाकिस्तान की इस वक्त कंडीशन चल रही है फ्लड की वजह से, बहुत इस वक्त तो आई थिंक सो मैंने इससे पहले इतना ह्यूज कोई सैलाब कोई फ्लड नहीं देखा जिस तरह का पाकिस्तान में इस वक्त आया हुआ। पाकिस्तान की जो कंडीशन हुई पड़ी है पथेटिक हुई पड़ी है, अस्तगफिरुल्लाह, लोगों के घर सारे जा रहे हैं, सवाद के जो मैं देख रहा हूँ वीडियोज ही सोशल मीडिया तक पहुँच रही हैं, सिंध वाले एरिया में वो जो हालात लोगों के पड़े हैं, बेचारे लोगों के घर देख रहे हैं, लोगों ने इतनी मेहनतों से वो घर बनाए हुए हैं और वो घर को एक एक कमरे भी नहीं बाकी, एक एक दीवार बस नज़र आती है, वो पता चल रहा होता है कि लोगों ने इन घरों में कितनी मेहनत किया और अब उनके घर डूबे पड़े हैं और वो लोगों को शेल्टर नहीं मिल रहा, कहाँ पे लोग रह रहे हैं, लोग मोटरवेज के साइड पे आके अपने कैंप्स लगा रहे हैं। तो हमें हर किसी को अपना अपना छोटा छोटा पार्ट भी कर लेना चाहिए, अदा कर लेना चाहिए, कोई हमें देख लेनी चाहिए, कोई फाउंडेशन जो हम जिस पर ट्रस्ट करते हैं उसकी उसको तक पहुँचा दें ताकि वो फाउंडेशन आगे तक पहुँचा दें। या बहुत बेटर वे ये है कि खुद जाए, खुद उन लोगों से इंटरेक्ट करें, उन लोगों तक बात पहुंचाएं, उन लोगों तक उनका कोई जो ज़रूरत का सामान है वो पहुंचाएं, क्योंकि इस वक्त दे आर रियली इन अ बैड कंडीशन यार। अगर वीडियोज जब सोशल मीडिया पे देखते हैं ना तो लिटरली दुख होता है कि यार इतने बुरे हालात हुए पड़े हमारे पाकिस्तान के, अपने नॉर्दर्न एरिया जितने खूबसूरत इलाके, इतने बड़े ह्यूज होटल्स हैं, लोगों ने सोचा होगा कि यार ये पानी की वजह से बह जाएंगे, लिटरली बह गए हैं यार वो पानी के अंदर। तो बस दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला, अभी यहाँ पे हमारी बारिश हो रही है, हमें भी राबी का मैंने अब्दुल्ला ही बता रहा था कल यार उन्होंने अलर्ट कर दिया है, बस अल्लाह ताला से दुआ है कि रहमत की बारिश हो और सब तरीके की हैर होए और लोगों तक जो हेल्प पहुँचाओ ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोगों को भी फ़ायदा हो। यार बारिश हो गई है ख़त्म और मौसम बहुत खूबसूरत हो गया, मौसम बारिश के बाद बड़ा खूबसूरत हो गया और शाम भी हो गया, इसका मतलब हम फिर अब यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे। शाम बारिश सारा दिन ही होती रही, ऑलमोस्ट शाम हो गई है बारिश होते होते, तो मैंने कहा चलो अब यूनिवर्सिटी का तो हमारा कैंसिल हो गया, तो मैंने कहा चलो यार ज़रा छत पे चलते हैं, मौसम को एंजॉय कर लेते हैं। शाम के बादल आए हुए, इतने खूबसूरत बादल मैंने अभी आपको दिखाए हैं और मैं कहा इन खूबसूरत बादलों में
लेट्स डिस्कस सम पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स जो कल वाले मैच के थे। तो पहले पॉजिटिव से स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव मुझे जो लगा ना फाइट, मैं बार बार कह रहा हूँ, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया मैं वो वाला हूँ जो कहते हैं यार नहीं, ऑलवेज विन, पाकिस्तान शुड हैव टू विन दैट मैच, बट कल वाला वाहिद ऐसा मैच था जिसमें मैंने कहा लवली लवली आउटस्टैंडिंग यार, जो पाकिस्तान का जो सारे एक होके खेले थे, कमाल कॉन्फिडेंस था। पॉजिटिव पॉइंट मेरी तरफ से तो ये है कि पाकिस्तान ने कल जो एफर्ट पुट किया, जो फाइट पुट किया बॉलिंग में, आई एम टेलिंग यू नॉट इन द बैटिंग साइड, बैटिंग साइड वो नेगेटिव पॉइंट था, बॉलिंग साइड मुझे अच्छा लगा। बॉलिंग साइड पे हम पॉइंट देते हैं, एक पॉइंट ही देंगे, मैं तो उसे बहुत ज़्यादा रेट करूँगा जो बॉलिंग हम लोगों ने कर दी है, आउटस्टैंडिंग फैबुलस बॉलिंग करेंगे हम। तो एफर्ट, नसीम शाह की एफर्ट में फुल पॉजिटिव पॉइंट दूंगा, और उसके बाद दूंगा नवाज़ की स्पिन बॉलिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग, शदाब खान ने बहुत अच्छा के रन रेट रोका, स्कोर नहीं होने दिया हालांकि विकेट लेस रहा। उसके बाद रऊफ, रऊफ का थोड़ा बहुत बीच में आ जाता है, बीच में ऐसा आ जाता है, सीनियर बॉलर की तरह खेल रहा था रऊफ, बिकॉज हसन अली भी नहीं था, शाहीन भी नहीं था, तो रऊफ सीनियर था एज ए सीनियर, तो उस सीनियर वाले तरीके से नहीं की, लेकिन जो रऊफ का रोल होता है वो रऊफ ने कर दिया अपना कम्प्लीट। सो लेट्स टॉक अबाउट सम नेगेटिव, और नेगेटिव ये था, नेगेटिव ये इस तरीके से था कि हमारी बैटिंग लाइनअप टोटली फ्लॉप हो गई। बाबर आजम, रिजवान, रिजवान का अगर कोई कहेगा स्कोर किया भजन, तो हम क्रिकेट जज्बाती होकर नहीं देख रहे होते, हम क्रिकेट को प्रॉपर एक सही तरीके से देख रहे होते हैं, और एक्सपर्ट्स का सुन सुन के जो थोड़ी बहुत समझ आई है क्रिकेट की, तो रिजवान के वो जो रन अप बॉल ही खेल रहा था रिजवान, 42-43 रन, वो कोई काम नहीं आए हमें। हाँ, अगर बैटिंग में अगर मैं कोई पॉजिटिव पॉइंट दूंगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ दूंगा जो धानी और रऊफ ने आके किया भजन। धानी और रऊफ ने आके उन्होंने कहा भजन हमारे पास कुछ है तो नहीं, तो भजन यही यहाँ पे चले जाते हैं कि अब आउट ऑफ द बॉक्स जाके स्कोरिंग पे जाते हैं, सिक्स के लिए जाते हैं, और वो था पॉजिटिव पॉइंट। हमें डरे बगैर खेलना था, हम बहुत डर के खेल गए थे। बाबर आजम अच्छी वाली, बाबर आजम के बैट पे बॉल आ रही थी, रिजवान को तो, रिजवान का ऑफ साइड की गेम अगर आप गौर भी करोगे ना हल्का फुल्का, तो ऑफ साइड पे नहीं रिजवान जाता, रिजवान हर बॉल को लेके जाता है लेग वाली साइड पे। तो रिजवान अब हमारा मेन प्लेयर है, उसे थोड़ा बहुत इतना इतना सा करना चाहिए कि अपनी थोड़ी सी गेम को ऑफ साइड पे भी लाए, क्योंकि शुरू में रिजवान को बहुत मुश्किल हो रही थी ऑफ साइड की, जब भुवनेश्वर कुमार बॉल कर रहा था, स्विंगिंग बॉल कर रहा था, उसे मुश्किल हो रही थी। उसके बाद हमारा मिडिल ऑर्डर टोटली फ्लॉप हो गया है, टोटली फ्लॉप हो गया। फखर जमान ने तो बड़ी अच्छी ईमानदारी की है, वो तो जेस्चर दिखाया, अच्छा जेस्चर था, ना बॉलर को पता चला, ना कीपर को, ना अंपायर को, लेकिन फखर जमान ने ईमानदारी करते हुए खुद उसने आउट है और वो खुद चला गया, तो एक अच्छा जेस्चर के तौर पर हम ले सकते हैं, और बिग थम्स अप टू दैट। और उसके बाद जो खुशदिल शाह मुझे नहीं लगा अच्छा खेला, आसिफ अली भी नहीं अच्छा खेला, शदाब खान को गलत नंबर पे भेज दिया, क्योंकि शदाब खान डोमिनेट करता है स्पिन पे, करता है फास्ट बॉल पे इतना ही नहीं करता, उस वक्त फास्ट बॉलर थे जब शदाब खान आया। लेकिन मैं अगर बैटिंग पे एक इतना सा भी आप अगर अच्छा ढूंढने चाहो, तो बैटिंग में आप धानी और रऊफ के वो सिक्सेस याद कर सकते हो, एट द एंड फिर भी गुड मैच हुआ था। जी भाई, कल का क्या सीन था, कल मैच देखा है कि नहीं देखा, देखा सही बताओ यार। बस पाकिस्तान हार गया, थोड़ा सा अफसोस हुआ। अफसोस हुआ, दोस्तों वगैरह स्कूल गए आज? स्कूल गया था। दोस्त वगैरह ने कुछ कहा? कहते हाँ अच्छा भला बॉलरों ने इतना स्कोर कर लिया था, लेकिन असल में उनके बैट्समैन बचे हुए थे ना, अभी हाँ। उन्होंने छक्का लगा, ये बात सही है, लेकिन यार हमें ये पॉइंट देना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी किया, बैटिंग यार हमारी लेकिन बॉलिंग बहुत आला है। सही बात, नसीम शाह और नवाज की बहुत आला। सही, बिल्कुल सही कह रहा है। और भाईजान बैटिंग में भी सुपर कर धानी ने जो छक्के लगा दिए, रऊफ ने छक्के लगा दिए, वरना वो भी नहीं स्कोर होना था जो किया। नहीं तो फिर तुझे पता ये वाला मैच तो बहुत पहले खत्म, ये वाला मैच इजीली खत्म हो जाना था। बिल्कुल सही कह रहा, तूने फिर मतलब कि तूने भी एंजॉय पूरा मैच देखा, फुल मैच ब्रो, अली के साथ भी देखा, अली ने देखा, अली और मैंने तीनों भाइयों ने देखा। दुख हुआ यार, इसे बताइए थोड़ा, दुख हुआ थोड़ा सा, लेकिन फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगले मैच पाकिस्तान जीत जाए। ये तो है इंशाल्लाह, इंडिया के साथ अगर हमारा अगला एक मैच तो कंफर्म है इंडिया के साथ, लेकिन अगर हम फाइनल में इंशाल्लाह फाइनल में पहुंचेंगे, और वहां पे भी अगर इंडिया भी पहुंच गई फाइनल में, तो हमारा होगा तीसरा मैच इंडिया के साथ, तो दो अभी मैचिंग और है,
तो टेंशन मत ले, इंशाल्लाह हम जीत के आएंगे यार। ओए ब्रो क्या हाल है यार, कल का बस ये बता दो जल्दी से यार, दुख हुआ? ओए यार मुझे बड़ा दुख हुआ। ओए होए ब्रो यार इसे दुखी है, ये अभी भी बेचारा दुखी है, इसलिए चला गया। तो आप लोगों ने फिर देख लिया आज की वीडियो को, फिर करते हैं यहाँ पर एडमिट नंबर सुंदर यू दुआओं में, देखिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अब हमें कल पे जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी।